हाय गाइस, हाउ आर यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन पीनल कोड, राइट? और इंडियन पीनल कोड में मेरे दोस्तों हम क्राइम की बातें करते हैं. क्राइम करने वाले व्यक्ति जो कि ऑफेंस कर रहा है उस ऑफेंडर की बातें करते हैं और उसे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए, इसकी बातें करते हैं, राइट? तो हम जो ये आज काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस पूरे के पूरे आईपीसी के बारे में ही है. लेकिन हम आईपीसी की भी शुरुआत हमेशा अपने एग्जाम्पल की तरह करेंगे. आइए स्टार्ट किया जाए अपना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम. सो एग्जाम्पल की शुरुआत दोस्तों, एक है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स मान लीजिए मिस्टर वाई का मर्डर कर देते हैं या उनके घर पे रॉबरी कर देते हैं या फिर हाउस ब्रेकिंग करते हैं, ताला तोड़ते हैं, सामान लेके भाग जाते हैं या चोरी करते हैं. हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट से कहीं ज्यादा आगे है, राइट? तो दोनों में डिफरेंस होता है. देखा जाए तो एक्स ने ये चारों जो भी हमने एग्जाम्पल लिए, एक्स ने दोस्तों ये क्राइम किया, बोलिए हाँ या ना? और ये सब क्राइम्स हैं. इन्हीं क्राइम्स को रोकने के लिए, टू स्टॉप दीज क्राइम्स और टू डेटर दीज क्राइम्स इन आवर सोसाइटी, क्या किया गया है? लॉ बनाए गए हैं. और जो लॉ बनाया गया वो है दोस्तों क्रिमिनल लॉ. अब क्रिमिनल लॉज जो बनाए गए क्राइम के लिए, उन सारे क्रिमिनल लॉज को हमने कहा कि भैया जरा काउंट करके लिख दो कि क्या क्या चीजें क्राइम है और उन क्राइम्स की सजा भी लिख दी जाए कि भैया ये सब क्राइम पनिशेबल हैं और ये सब काम करने वाला व्यक्ति आखिरकार कर क्या रहा है, ये ऑफेंस कर रहा है और ऑफेंस करने वाले इस व्यक्ति को क्या नाम दे दिया जाए. मेरे भाई, ये ऑफेंस करने वाला व्यक्ति है ऑफेंडर. तो हमने क्रिमिनल लॉ में जो भी हमने ये काम किया, ऐसे व्यक्ति को, इस ऑफेंडर को पनिश करने के लिए, पीनलाइज करने के लिए क्या किया, एक एक्ट बनाया और उसमें लिख दिया कि क्या क्या सजाएं होंगी, इस व्यक्ति की क्या सजा हो सकती है. जेल भी हो सकती है, फाइन भी होगा साथ में. अब जेल भी जो हुई उस इंप्रिजनमेंट की बात करें तो कुछ सालों की, या उम्र कैद भी हो सकती है. और अगर ऐसी पोजीशन आई कि बहुत ही जघन्य अपराध है तो ऐसे समय में कैपिटल पनिशमेंट भी जा सकती है, जहां पर बहुत सारे लोगों को मास किलिंग कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो फांसी की सजा भी दी जा सकती है, उसका भी प्रावधान है. सो कहने का मतलब यह कि बहुत सारे ये क्राइम हुए, एक्स ने अगर ये सब क्राइम कर डाले, इनमें से कोई भी कर डाला, तो क्या किया जाए, उसे पनिश किया जाए. पनिश करने के लिए हमारे सामने आया ये आईपीसी इंडियन पीनल कोड और ये बताएगा कि कितनी सजाएं होंगी, कैसे होंगी. अब हम बात करें कि भाई आखिरकार इस आईपीसी को पढ़ा कैसे जाए. तो दोस्तों हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा हुआ है जिसमें हमने क्राइम की बातें की. ये आईपीसी जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के साथ साथ ही पढ़ा जाएगा. जो बातें आपने वहां पढ़ी उससे मैच करती हुई चीजें यहां पर आएंगी, क्योंकि उन्हीं की सजाओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा और जरूरत से ज्यादा डिटेल में भी किया जाएगा. जैसे कि हमने जब वहां पर बात की थी क्राइम के पीछे, हमने कहा था एक इंटेंशन होती है व्यक्ति की, गिल्टी माइंड होता है, मेंस रिया. अब उसी मेंस रिया को डिटेल में हम यहां पढ़ेंगे. मैं किसे कह दूं कि वो क्रिमिनल एक्ट है, किसी भी चीज को मैं अगर कहूं कि ये क्रिमिनल एक्ट है तो भैया उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी मैं किसे क्राइम मानूंगा, किस एक्ट को क्राइम मान करके उसकी सजाएं चेक करेंगे. आइए देखें. सो व्हाइल स्टडिंग इट्स कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विल बी रेफर्ड. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो बातें लिखी हैं
उनको रेफर करके हमारा ये सारा काम होगा दोस्तों. इज दैट वेरी क्लियर? तो आईपीसी बताता क्या है? आईपीसी दोस्तों बताता है पनिशमेंट्स के बारे में. किस चीज के लिए पनिशमेंट भैया? तुमने कोई क्राइम किया, तुम्हारे उस क्रिमिनल एक्ट के लिए पनिशमेंट बताएंगे हम. अब मैं किसे कह दूं कि भैया ये क्राइम है, तो उस क्राइम के, उस क्रिमिनल एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे. सबसे पहली बात, ये क्राइम कर कौन रहा है भैया? ही शुड बी अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग ये क्राइम करेगा, राइट? और उस ह्यूमन बीइंग का, जिसको हम सजा देना चाहते हैं, क्यों सजा देना चाह रहे हैं, सवाल ये है. मैं अगर पनिशमेंट देना चाहता हूं किसी को, तो कम से कम उसे एहसास तो दिलाऊं कि तुमने गलत किया, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिली. और ना सिर्फ उसे, बल्कि ऐसे कई लोगों के सामने उदाहरण के रूप में पेश होगा कि देखो अगर आपने गलत काम किया तो यह सजा होगी भैया, उसका देख लो हाल. लेकिन खास करके जिस व्यक्ति ने गलत काम किया, उसे उसकी गलती का प्रायश्चित, पश्चाताप ये हो, इसके लिए उसकी सेंसेस का सही होना जरूरी है. यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल हो जाता है क्राइम करने के बाद, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि वो अपनी सब याददाश्त भी खो चुका है और बिल्कुल मेंटली डिसेबल हो चुका है. यानी अगर उसे सजा दे भी जाए तो भाई वो पता ही नहीं चलेगा. ही शुड बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली केपेबल ऑफ बीइंग गिवन पनिशमेंट. ये एक पहली रिक्वायरमेंट है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में. दूसरी बात यह है कि जिस ह्यूमन बीइंग ने काम किया है ना दोस्तों, ये व्यक्ति पहले से ही गलत काम करने के बारे में सोच रहा था, गिल्टी माइंड था ये व्यक्ति. मेंस रिया की बात हमने पहले की थी, आज हम उसको डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में. सो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंस रिया का एक हमने छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के उसके बारे में बहुत सारी बातें की, बट उसे डिटेल में इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं. अब सवाल यह आता है कि उसने, एक व्यक्ति ने जो बिल्कुल फिजिकली मेंटली फिट है, वो जानबूझ के अपना दिमाग चला करके गिल्टी माइंड के साथ कुछ गलत करने की सोचता है, कुछ ऐसा करने की सोचता है जो उसका डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस आए, जो वो चाहता है वो हो जाए, गलत काम हो जाए. लेकिन खाली क्या सोचने से काम चल जाएगा? सोचने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उस पर एक्ट भी करना पड़ेगा. तो जो एक्टस रियस है, यानी एक्ट और ओमिशन, हम यहां पर उसकी बात करेंगे दोस्तों. ये है मेंस रिया दूसरा पार्ट और ये है तीसरा पार्ट, एक्टस रियस. आइए बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं और इन एग्जांपल्स के बेसिस पर ही हम सीखेंगे कि मेंस रिया के भी कितने पार्ट हो सकते हैं. हमारा पहला, ये जो ह्यूमन बीइंग का काम है, ये तो सेम रहेगा. एक्टस रियस, एक्ट भी करेगा ही करेगा, ये व्यक्ति भी रहेगा. और मेंस रिया के कितने पार्ट हो सकते हैं, हमारा फोकस वहां रहेगा, राइट? सो एक एक करके ये तीनों एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे. समझने के बाद इस चीज को इंश्योर करेंगे कि भाई अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो वो क्राइम भी नहीं है. इन तीनों चीजों का साथ में होना आवश्यक है. तो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से मान लो पागल है, मेंटली डिसेबल है, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं. अगर उसे मालूम ही नहीं है तो क्या उसे आप सजा दे पाएंगे? पहले वाले केस में मैंने बताया कि अब एक व्यक्ति किसी का कत्ल करने के बाद पागल हो गया. मैं कह रहा हूं यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, जिस व्यक्ति ने कत्ल किया, क्या सोच समझ कर किया? सोचने समझने के लिए बुद्धि चाहिए, मेंटली वो डिसेबल होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए.
मान लो एक व्यक्ति बिल्कुल डिसेबल है, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप उसे सजा क्या देंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक व्यक्ति बिल्कुल पागल है, एकदम पागलखाने से भाग के वो बाइक पर सवार हो जाता है और बाइक चला के एकदम ऐसे अंधाधुंध चलता चला जा रहा है तेज स्पीड से और किसी का एक्सीडेंट कर देता है, वो व्यक्ति वहीं पर मर जाता है, ये खुद भी इंजर्ड हो जाता है, इसे पता ही नहीं किसने क्या किया है, कैसे आप इसे सजा देंगे? सो द पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए? केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड। उसकी मेंटली सबसे पहले तो हालत चेक करेंगे। आइए, सो ए ने जो भी काम किया, एग्जांपल ले रहे हैं, बी के लिए विद इंटेंशन टू किल किया कि मैंने उसे मारना है, ये सोच के उसने काम किया, और ये करने के लिए वो उसे पॉइजन दे देता है, उसके खाने में जहर मिला देता है, और बी ये खाना खा के मर जाता है। बताइए क्या ये काम इस व्यक्ति ने सोच समझ के किया? सो पहली बात तो ये, पहला एलिमेंट कि ए ह्यूमन बीइंग है, करेक्ट, ही इज केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए, ही शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट फॉर कन्विक्शन, क्योंकि क्राइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्राइम कर दिया, क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, तो सबसे पहले लॉ से पता क्या मान लेता है कि ये बेकसूर है, और जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि उसी ने ये गलत काम किया, उसी ने क्राइम किया, और कोर्ट उस व्यक्ति को सजा देने से पहले इंश्योर कर लेना चाहता है बियॉन्ड एनी डाउट कि यही वो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया, यह प्रूव हो गया, तब जाके उसे सजा मिलती है, ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये चीज हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम में, सीआरपीसी में भी सिखाई जाती है, आईपीसी में भी सिखाई जाती है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने विद इंटेंशन टू किल मिस्टर बी उसे पॉइजन दे दिया फूड में और बी मर जाता है। यहां पर ए पूरी तरह से क्या है, मेंटली एंड फिजिकली फिट फॉर कन्विक्शन। अब यहां पर ये जो इंटेंशन है ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेंस रिया। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसे कहते हैं मेंस रिया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम, गिल्टी इंटेंशन। और ये जो मेंस रिया है, गिल्टी इंटेंशन, यही चीज क्या करती है, इस व्यक्ति को सजा देने के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड तय करती है, सबसे बड़ा रीजन बनती है। यानी अगर आपने इंटेंशनली कुछ किया, दिस इज मेंस रिया, गिल्टी माइंड, और ये आपकी, यहीं पर आप क्या मान लिए गए कि आपने जानबूझकर करना चाहा, आपकी पोजीशन ऑफ माइंड, कंडीशन ऑफ माइंड जो इस केस में मिस्टर ए की है, मिस्टर ए की कंडीशन ऑफ माइंड कैसी है, बैड, बैड कंडीशन ऑफ माइंड, गिल्टी कंडीशन ऑफ माइंड, वो गलत करना चाहता था, स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ उसने ये काम किया कि मैं बी को ही मारना चाहता था, ये क्लियर हो गया। सो ये क्या है, इंटेंशन विद स्पेसिफिक माइंड, इंटेंशन विद गिल्टी माइंड, और ये इंटेंशन कैसी है, ये है स्पेसिफिक, उसी व्यक्ति को मारना चाहता था, वही मरा, राइट? अब खाली सोचने से काम हो गया या उसने वाकई ऐसा किया? वो सोच रहा था कि मैं उसके खाने में जहर मिलाऊंगा, सोचना कोई जुर्म नहीं है भाई, लेकिन उसने उसे सोच करके वो एक्शन भी कर डाला, एक्ट भी कर दिया, यानी दिस इज अ वॉलंटरी ह्यूमन कंडक्ट ऑफ मिस्टर ए, जानबूझकर ऐसे काम को कर डाला विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सो दिस इज अ वॉलंटरी ह्यूमन कंडक्ट ऑफ मिस्टर ए विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच लॉ प्रोहिबिट्स। सो दिस वॉज अ ओवर्ट एक्ट, जानबूझ के करना चाहा, अनलॉफुल था, अनलॉफुल कमीशन ऑफ दिस एक्ट, ये उसने किया। तो भैया जब तीनों ये चीजें आ गई तो ये क्राइम है, और इस क्राइम की सजा भी है,
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम कर रहे थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम. एसेंशियल एलिमेंट में देखा ह्यूमन बींग, ही शुड बी मेंटली एंड फिजिकल फिट फॉर कन्विक्शन. मेंस रिया होनी चाहिए, मेंस रिया, गिल्टी माइंड कैसे पता लगेगा? इंटेंशन चेक कर लो उसकी. अब यहां उसकी इंटेंशन थी कि मैं बी को मारना चाहता हूं, स्पेसिफिकली वही मरा, खाना खा के जहर भरा, और वो दिया किसने? इसी मिस्टर ए ने. अब मैं इसी केस को ट्विस्ट कर रहा हूं. मान लीजिए कि जहर मिलाया गया मिस्टर बी के लिए खाने में, और मिस्टर सी ने आके वो खाना खा लिया और सी एक्सपायर हो गया. अब बताइए क्या मिस्टर ए जिम्मेदार माने जाएंगे? सोचिए भाई, गलत काम तो किया, ह्यूमन बीइंग है, ही इज केपेबल ऑफ कन्विक्शन, गिल्टी माइंड भी था, लेकिन स्पेसिफिकली बी को मारने की इंटेंशन थी भाई, सी को तो मैं मारना ही नहीं चाहता था. एक्ट भी उसने किया, वो कहेगा जी एक्ट भी मैंने किया, लेकिन मैं तो सी को मारना ही नहीं चाहता था भाई साहब. अब इसके लिए मुझे क्यों सजा दे रहे हो? बताइए क्या सजा मिलनी चाहिए? यस, क्योंकि इंटेंशन चाहे स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए हो चाहे जेनेरिक हो, सो अगर ये जेनेरिक इंटेंशन भी थी तो भी वो लायबल है. दिस इज ऑल्सो मेंस रिया. सो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, इन द अबव केस इफ सी ईट्स दैट फूड एंड डाइज, ए विल बी स्टिल लायबल. क्राइम तो उसने किया, गलत काम करने की इंटेंशन थी, और यहां पर सेम ह्यूमन बींग तो है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ह्यूमन बींग तो है, सो वॉट एवर इज रिटन अबव वो यहां पर अप्लाई हो गया. अब बात आती है हमारी इंटेंशन की, तो यहां स्पेसिफिक नहीं मगर जेनेरिक इंटेंशन थी, वो जान बूझ कर ये काम करना चाहता था. अगला पॉइंट, एक्चुअल कमीशन ऑफ अ क्राइम उसने किया. एक्टस रियस का मतलब यही है, दिस इज व्हाट इज एक्चुअल कमीशन ऑफ अ क्राइम. सो ये आपने केस देखे जहां पर मेंस रिया हमने पहचानी कैसे, उसकी इंटेंशन से. अब मेंस रिया का ही दूसरा रूप आपके सामने आने वाला है. मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मिस्टर एक्स गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते अपने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग भी कर रहे हैं. कई लोग करते हैं भाई, इधर से ध्यान अपना सामने रोड पर भी है, इधर मैसेजिंग भी चल रही है, या यहां पर कान में फोन लगाया हुआ है और ड्राइविंग चल रही है. अब ये करते करते ही हुआ क्या, उसने वाई को हिट कर दिया एंड वाई डाइड ऑन द स्पॉट. ड्यू टू दिस एक्सीडेंट वाई डाइड ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली एक्सपायर हो गया वो ड्यू टू दिस एक्सीडेंट. अब बताइए, वो कहेगा अरे मैं उसे मारना थोड़ी चाहता था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी जज साहब, बस मुझसे गलती हो गई. अरे बेटा गलती तो हो गई तेरे से, लेकिन यहां भी गिल्टी माइंड है, क्योंकि आपने नेग्लिजेंस दिखाई और उस व्यक्ति की जान चली गई. सो ये व्यक्ति सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, वही सेम बात, केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड होना चाहिए एंड मेंटली एंड फिजिकली फिट फॉर कन्विक्शन होना चाहिए. अगर ये पोजीशन है तो पहला एलिमेंट क्राइम का दूर हो गया हमारा, ये हमारे डाउट से दूर हो गया कि इसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं. मिलनी चाहिए भैया, क्योंकि पहला एलिमेंट आ गया. अब आती है दूसरी बात, हम कहेंगे यहां मेंस रिया थी, यस देयर वाज मेंस रिया, और ये मेंस रिया नेग्लिजेंस थी दोस्तों, नेग्लिजेंस. सो यहां पर नेग्लिजेंस नजर आ रही है दोस्तों, और यहां पर एक्स हैड अ ड्यूटी टू टेक केयर, एक्स की ड्यूटी थी केयर करना, बट ही डिड नॉट टेक केयर. उसे मालूम है भाई क्या चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा इस तरह से, बट ही शोड केयरलेसनेस. अब इस केयरलेसनेस के कारण वो कहेगा जी मैं कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस चाहता थोड़ी था मिस्टर ए की तरह, जो कि मिस्टर बी को जहर देकर मारना चाहता था. ही वॉन्टेड सम कॉन्सिक्वेंस टू हैपन,
उसने काम इसलिए किया था, ही वॉन्टेड टू कॉज सम कॉन्सिक्वेंस, लेकिन मैं एक्सीडेंट थोड़ी करना चाहता था भैया, कोई बात नहीं, वी नो दैट यू डिड नॉट वॉन्ट टू कॉज एनी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, हम तो जानते हैं, बट आपने नेग्लिजेंस तो दिखाई। तो भाई नेग्लिजेंस के आधार पर भी हम कहेंगे आपका गिल्टी माइंड था, और इसीलिए मेंस रिया, ये जो सेकंड एलिमेंट है ऑफ क्राइम, ये भी आ गया। और अगली बात, काम तो आपने वॉलंटरीली किया, किसी ने आपको जबरदस्ती थोड़ी कहा था कि मैसेज कर और साथ में ड्राइव भी कर। इट वॉज अ वॉलेंटरी एक्ट फ्रॉम योर साइड, सो इट वॉज वॉलेंटरी ह्यूमन कंडक्ट। सो इफ इट वॉज अ वॉलेंटरी ह्यूमन कंडक्ट ऑफ विच ऑफ ए विच लॉ प्रोहिबिट्स, भैया लॉ तो इसे मना करता है ना कि आप गाड़ी चलाते समय फोन पर बात ना करें, साथ में SMS ना करें। तो अगर ऐसी पोजीशन आती है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई ये काम तो मैंने कर दिया, सो दिस इज अनलॉफुल कमीशन ऑफ वर्क, दिस इज व्हाट इज अनलॉफुल कमीशन ऑफ द एक्ट। सो अगर आपने ये अनलॉफुल कमीशन कर दिया मेरे भाई, तो जरा सोचो आपका ये एक्टस रियस भी बीच में आ गया, और अगर एक्टस रियस बीच में आ गया इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा एलिमेंट भी पूरा हो गया। तो यानी नेग्लिजेंस के केस में भी आप जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते जी मैं ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस थोड़ी करना चाहता था, मैं मारना थोड़ी चाहता था, तो गलती हो गई, गलती से तो दूसरे की जान चली गई भाई, तेरे सॉरी से क्या होगा आप, या पैसे से भी क्या होगा, क्या व्यक्ति वापस आ जाएगा, नहीं। चलिए इस केस को थोड़ा सा और ट्वीक करके लेके जाते हैं आगे, केस नंबर 4 आ गया। अब एम, मिस्टर एम ड्राइव कर रहे हैं कार एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड ऑन अ बिजी रोड एंड कॉजेज एक्सीडेंट इन विच 3 पीपल डाई। भैया ये तो चला रहे हैं तेजी से, इसे हम कहेंगे रेकलेस होना, और जो ऊपर रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की वो तो है ही, और एक्टस रियस भी यहां पर जो हमने ऊपर बात की वो भी है ही, जो डिफरेंस है वो मेंस रिया का है, और डिफरेंस यहां पर है रेकलेसनेस का। रेकलेसनेस भी मेंस रिया कहलाएगी, आप चाहे नेग्लिजेंट हो, चाहे रेकलेसली ये काम करें, चाहे इंटेंशनली ये काम करें, दिस विल बी ट्रीटेड एज मेंस रिया। सो यहां पर दोस्तों हमारे जो एक्टर हैं, जिसने काम किया, जो गाड़ी चला रहा था, डज नॉट डिजायर द कॉन्सिक्वेंस, वो कोई एक्सीडेंट करके उन 3 लोगों को मारना नहीं चाहता था, मान ली बात, इंटेंशनली नहीं था, बट ही फोरसीज द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो पता है ना उसे कि मैं अगर ऐसे रेकलेसली गाड़ी चलाऊंगा तो कोई टायर के नीचे आ जाएगा, मेरी गाड़ी के टायर के नीचे मर जाएगा, ही कैन फोरसी दिस, बट वॉट डज ही चूज, ही कॉन्शियसली टेक्स द रिस्क, जानबूझ के रिस्क लेता है फिर भी, तो अब बताइए क्या होना चाहिए। अगर वो जानबूझ के रिस्क ले रहा है भैया, तो ये मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है माय डियर फ्रेंड्स। सो मेंस रिया को हमने 3 पार्ट्स में देखा, सबसे पहले इंटेंशन, और इसमें इंटेंशन में भी स्पेसिफिक या जेनेरिक इंटेंशन, मारना किसी को चाहता था, मर गया कोई और, गन निकाली मारने के लिए मिस्टर एक्स को, एक्स तो हट गया, वाई मर गया, स्पेसिफिक इंटेंशन पूरी नहीं हुई, जेनेरिक तो आ गई, मेंस रिया है। नेग्लिजेंस दिखाई आपने, मैसेजिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल देखे जाते हैं कार्स में, और ड्राइव भी कर रहे हैं, नेग्लिजेंट थे आप, कोई बात नहीं, मर गया बंदा, यू आर लायबल, दिस इज अ क्राइम। या आप रेकलेसली कोई काम कर रहे हैं, ये जानते हुए भी इससे कुछ गलत हो सकता है, फिर भी वो करते हैं आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, जानते हुए कि ये हो सकता है, आप कोई कॉन्सिक्वेंस चाहते नहीं हो, बट यहां पर पॉसिबिलिटी है, एंड यू कैन फोरसी दैट पॉसिबिलिटी, स्टिल यू डू दैट, यू टेक दैट रिस्क, दिस इज रेकलेसनेस, एंड दिस रेकलेसनेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज मेंस रिया। तो दोस्तों ये हमारा सारा का सारा काम हुआ इस पूरे के पूरे 3 एलिमेंट्स का।
एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हमारा यहां पर हुआ खत्म, लेकिन हमने इसकी डिटेल को भी पढ़ना है और हम कुछ ऐसी भी बातें पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे अगले सेशन में जहां पर मेंस रिया ना होने के बावजूद भी इट इज ट्रीटेड एज क्राइम। यस, अब आप कहेंगे अभी तो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, हमने कहा था जी मेंस रिया इन तीन तरीकों से फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पर मेंस रिया ना होने के बावजूद, गिल्टी माइंड ना होने के बावजूद भी इट विल बी ट्रीटेड एज क्राइम। दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।